दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के पांच सबसे बड़े सांप दिखाने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आप डर जाएंगे। ये इतने विशाल होते हैं कि किसी भी इंसान और जानवर को पल भर में निगल जाए। आइए इनके बारे में जानते हैं। ब्राज़ीलियन एनाकोंडा। ब्राज़ील में जब वर्कर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, तो उन्हें एक 35 फुट लंबा एनाकोंडा मिला। उन्होंने उसका एक वीडियो बनाया, जिसे देखकर आपको एक मूवी की याद आ जाएगी जो उस समय मर चुका था, लेकिन डर की वजह से लोगों ने उसे जंजीरों में बांध रखा था। जब दूसरे लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो उस सांप के मौत का कारण वर्कर्स को मानने लगे कि उन्हें किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए था। रिवर एनाकोंडा। अमेरिका में एक मछुआरा अपनी नाव से एक नदी से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक विशाल एनाकोंडा आ गया, जिसे उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जैसा आप देख सकते हैं, वह सांप नाव से दूर भाग रहा है और वह मछुआरा उसका पीछा कर रहा है। बाद में उस व्यक्ति को बिना लाइसेंस शिकार करने के जुर्म में $60 का जुर्माना लगा दिया और 18 महीने तक जेल में डाल दिया गया। एंशिएंट स्नेक। प्राचीन लोगों की माने तो यह सांप 100 फीट लंबा हुआ करता था, जो कि एक मिथिकल स्नेक है। यह बात तब साबित हो गया जब यह फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें नदी में एक सांप दिख रहा है, जिसे कुछ टूरिस्ट ने हेलीकॉप्टर से जाते समय अपने कैमरे में कैद कर लिया था। इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी खबर छपी थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह था कि ये असली फ़ोटो नहीं, ये सब फोटोशॉप का कमाल है। लोग इसे असली मानने से इनकार कर रहे थे। टाइटैनोबोआ। साल 2002 में एक कोलंबियन स्टूडेंट जब कोयल खदान में काम कर रहा था, तब उसने एक दिलचस्प खोज की, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ का कंकाल था, जिसे बाद में म्यूजियम में रख दिया गया ताकि लोग उसे आकर देख सके और समझ सके कि डायनासोर के समय का यह सांप कितना बड़ा और भयानक हुआ करता था। मिसूरी स्नेक। साल 2011 में मिसूरी शहर में एक बड़े सांप को खोजा गया, जो कि 25 फीट लंबा था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह करीब 10 साल बड़ा था, जिसे उठाने के लिए 5 लोगों की मदद लेनी पड़ी। बाद में उसे कुछ आर्टिस्ट ने अडॉप्ट कर लिया, जो एक दिन में करीबन 80 पाउंड मांस खा लेता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।